दो दिनों से कहां गायब है एंटरटेनमेंट के किंग दिनेश लाल यादव। क्या परिवार में आए किसी विपदा के कारण जुबली स्टार ने लिया है सोशल मीडिया से ब्रेक। जो निरहुआ कोरोना जैसी महामारी से जूझते हुए भी लगातार सोशल मीडिया पर अपने फोटोज और मजेदार एक्ट करते वीडियोस पोस्ट कर रहे थे, वो अचानक से सोशल मीडिया से कैसे गायब हो गए। दरअसल निरहुआ जो कि लगातार सोशल मीडिया पर आम्रपाली संग एक्टिव थे, उन्होंने अपना आखिरी पोस्ट करीब दो दिन पहले यानी मदर्स डे वाले दिन डाला था, जो कि उनकी माता जी के साथ था। ऐसे में सोचने वाली बात जरूर है कि जिस जुबली स्टार को सोशल मीडिया से कोरोना भी नहीं दूर कर पाया, उन्हें किस वजह से सोशल मीडिया से दो दिनों तक रखा है दूर। अगर आप भी इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं और जानना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि निरहुआ इस समय सोशल मीडिया यहाँ तक कि अपने फैंस से भी इसलिए दूर है क्योंकि उनके घर में एक बड़ा हादसा हुआ है। जी हाँ, हुआ ये है कि एक्टर के दिल के करीब शख्स ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। सोर्सेस से मिली खबरों के मुताबिक एक्टर ने अपने बड़े पापा यानी अपने पिता के बड़े भाई जिनसे वो काफी करीब रहे, उनको खो दिया है। निरहुआ के बड़े पिताजी का देहांत कल तड़के हुआ। निधन की वजह बताई जा रही है उनका शुगर लेवल हाई होना। कहा जा रहा है कि निरहुआ के बड़े पिताजी देवनाथ यादव काफी लंबे वक्त से शुगर की बीमारी से जूझ रहे थे और कल उनका शुगर काफी हाई हो गया था, जिसके बाद लाख कोशिशों के बावजूद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। हालांकि जिस वक्त एक्टर के परिवार पर ये दुखों का पहाड़ टूटा, वो वहां मौजूद नहीं थे, मगर जैसे उन्हें इस बात की खबर लगी कि अब उनके बड़े पिताजी दुनिया में नहीं रहे, तो वो अपना सारा कामकाज छोड़ अपने घर अपने परिवार के पास पहुंचने के लिए रवाना हो गए और अब एक्टर अपने परिवार संग इस दुख की घड़ी का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि निरहुआ के करियर बनाने में उनके पिताजी के साथ साथ उनके पिता के बड़े भाई स्वर्गीय देवनाथ यादव का बड़ा योगदान रहा। ऐसे में उनका जाना यकीनन निरहुआ के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं होगा। भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि एक्टर और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे और निरहुआ इस गम से जल्दी उबर पाए। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।